अस्सलामुअलैकुम आईएनएन न्यूज़ के साथ मैं हुरबाब बक। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म समेत किस सियासी लीडर ने कितना टैक्स दिया? FBR की टैक्स डायरेक्टरी जारी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अरकान पार्लियामेंट की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी है। FBR की जानिब से जारी टैक्स डायरेक्टरी साल 2019 के टैक्स गोशुवारों पर मुश्तमिल है। टैक्स डायरेक्टरी साल 2019 के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की आमदनी 4,35,00,000 रुपए थी और उन्होंने साल 2019 में 98,54,959 रुपए टैक्स दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर कायद हसब इख्तलाफ शहबाज शरीफ की आमदनी 5,63,00,000 रुपए थी, उन्होंने 82,42,000 रुपए टैक्स दिया। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी की आमदनी 28,26,00,000 रुपए थी और उन्होंने 22,18,000 रुपए टैक्स दिया। इनके अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की साल 2019 की आमदनी 3,81,00,000 रुपए थी और बिलावल ने साल 2019 में 5,35,000 रुपए टैक्स दिया। टैक्स डायरेक्टरी साल 2019 के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सालाना आमदनी 83,00,000 रुपए थी और उन्होंने 2019 में 8,51,000 रुपए टैक्स दिया। वजीर आला पंजाब ने 2019 में 2,000 रुपए टैक्स दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वजीर आजम और वज़ीरे आला समेत अरकान पार्लियामेंट की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। FBR की जानिब से जारी टैक्स डायरेक्टरी साल 2019 के टैक्स गोशुवारों में मुश्तमिल है। टैक्स डायरेक्टरी साल 2019 के मुताबिक वजीर आला पंजाब उस्मान गुलजार की आमदनी 9,38,000 रुपए थी और उस्मान गुलजार ने साल 2019 में 2,000 रुपए टैक्स दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की आमदनी 5,70,00,000 रुपए थी और उन्होंने 10,99,000 रुपए टैक्स अदा किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की आमदनी 25,80,000 रुपए थी और उन्होंने 67,258 रुपए टैक्स अदा किया। गुज़िश्ता साल मुंतखब होने वाले वजीर आला बलोचिस्तान कुद्दूस बज़िंजो की आमदनी 78,58,000 रुपए थी और उन्होंने साल 2019 में 10,61,000 रुपए टैक्स दिया। जस्टिस आयशा मलिक की तकरीरी का मामला, पाकिस्तान बार कौंसल का 6 जनवरी को हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान बार कौंसल ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आयशा मलिक की तकरीरी का मामला, पाकिस्तान बार कौंसल का 6 जनवरी को हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान बार कौंसल ने लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक की तकरीरी के मामले पर जुडिशियल कमीशन इजलास के दिन हड़ताल और अदालती बायकॉट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान बार कौंसल के वाइस चेयरमैन खुशदिल खान का कहना था कि 6 जनवरी को जुडिशियल कमीशन इजलास वाले हड़ताल और अदालती बायकॉट किया जाएगा। उनका कहना था कि सबर से बालातर है जस्टिस आयशा मलिक को लाने का मकसद क्या है। एक के बजाय 3 खवातीन जजेस सुप्रीम कोर्ट लाएं, मगर सीनियोरिटी के मुताबिक लाएं। वाइस चेयरमैन का कहना था कि चीफ जस्टिस कह चुके जजेस तकरीरी का मामला नए चीफ जस्टिस पर छोड़ना चाहिए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल सितंबर में भी लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तकरीरी का मामला 4-4 से टाई हो गया था। उस वक्त भी जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तकरीरी के मामले पर वकला की जानिब से भी एहतजाज किया गया था। कोहोटा राजा सादे जंजुआ नुमाइंदा आईएनएन न्यूज। स्टैंड कमिश्नर कोहोटा नासिर रिजवान ने एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभाल लिया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तहसीलों में स्टैंड कमिश्नर को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया गया। स्टैंड कमिश्नर कोहोटा ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कोहोटा का चार्ज संभालते ही म्युनिसिपल कमेटी और कदीर लाइब्रेरी कोहोटा का दौरा किया। कदीर लाइब्रेरी की मुरम्मत और रेनोवेशन के लिए खसूसी हिदायत जारी की, जिसमें नई लाइटों की तंसीब, खराब कंप्यूटर को फंक्शनल करना, किताबों के नए रैक्स बनवाना, नए फर्नीचर की फराहमी और नई किताबें मंगवाना शामिल है। इसके अलावा स्टैंड कमिश्नर ने कदीर लाइब्रेरी को किसी भी किस्म की गैर तालीमी सरगर्मी या सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार, सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। रंगीज अहमद खान स्वाबी, थाना कालू खान पुलिस की कामयाब कार्रवाई, अपनी बीवी को कत्ल करने वाला दरिंदा सिर्फ कातिल गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक DPO स्वाबी मोहम्मद शुएब खान की खसूसी हिदायत पर मुजरिमान इश्तियारियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं।
इस सिलसिले में SGPO रिसर्च शफीउर रहमान की निगरानी में जेरे कयादत SHO कालू खान, अजब दुरानी हमरा, असद जमान ASIO हेड कांस्टेबल ज़ियाद ने दिलेरी का मुजाहिरा करते हुए निहायत हिकमत अमली से कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुजरिम इश्तियारी मोहम्मद फयाज वल्द बाचा गुल सकना इस्माइलिया को गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम इश्तियारी ने अपनी जौजा को जबानी तकरार के नतीजे में कत्ल किया था, जिस पर उसके खिलाफ थाना कालू खान में जेरे दिफा 203 मुकदमा दर्ज था। ताहम वो बात वारदात गिरफ्तारी से बचने के लिए मफरूर था, जिसको बिला आखिर गिरफ्तार किया गया और मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। ठट्टा राजा कुरैशी रिपोर्ट। SSP ठट्टा डॉक्टर इमरान खान के अहकामात पर इंचार्ज टाउन पुलिस पोस्ट ठट्टा SIP इमाम बख्त ताहियो की मंशियात के खिलाफ कार्रवाई तेज। ठट्टा शहर बदनाम जमाना मंशियात फरोख सोला मला और हैदर शाह कच्ची वाला के चर्स, आइस और हीरोइन के अड्डों पर छापा। 3 किलो चर्स से ऊपर चर्स हाथ आया। सोला मला और फारूक गरानो और अली रजा शाह को गिरफ्तार करके 9C के 3 अलग अलग केस ठट्टा थाने दाखिल किए और जवाबदार एहसान जाकरो से चोरी की मोटरसाइकिल और बिना लाइसेंस की पिस्टल हाथ करके इसके ऊपर गैर कानूनी असलहा रखने के 2 अलग अलग केस दाखिल किए और जवाबदार शहजाद सोरजो से 1000 सफीना इंडियन परी गुट का मावा हाथ किए। इस पर गुट के मावे का केस दाखिल किया। पुलिस की कामयाब कार्रवाई से ठट्टा की आवाम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। स्वाबिक कंडा मोड़ के करीब सेदा बाईपास और तेज रफ्तार रिक्शा और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम से रिक्शा सवार 4 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू 11-22 इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू 11-22 की मेडिकल टीम मौके पर पहुँच कर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए बाचा खान मेडिकल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हजरत अली उमर 21 साल, इरफान उमर 29 साल, 2 अफराद नामालूम। विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शमूल नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर दानिश खलील ने शहरियों से अपील की है कि इमरजेंसी की सूरत में ही रेस्क्यू 11-22 की हेल्पलाइन पर कॉल करें। रेस्क्यू 11-22 के जवान आपकी मदद के लिए हरदम तैयार है। पीर जोगोट में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हिंदू ताजिर को कत्ल कर दिया। सिंध के जिले खैरपुर के इलाके पीर जोगोट में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके ताजिर सुनील कुमार को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि ताजिर टारगेट करके कत्ल किया गया। दूसरी जानेब सूबाई वजीर अकलती उमूर गयान चंद असरानी ने वाके का नोटिस लेते हुए DIG सक्कर से रिपोर्ट तलब कर ली और मुजरिमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत की। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 100 रुपए इजाफा हुआ है। सेंट सराफा बाजार जूलियर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में 1 तोला सोने की कदर 1,26,300 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने के दाम 86 रुपए बढ़कर 1,08,282 रुपए हो गए हैं। सेंट सराफा बाजार जूलियर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा मार्केट में सोने की कदर $5 बढ़कर $1,825 फी ओंस है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।